ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है। यहाँ पे ये कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वॉल्व है और इवेपोरेटर है। कंप्रेसर से में क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और हाई वेपर होगा। हाई प्रेशर और हाई वेपर होगा कंप्रेशन में। यानी कि यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। जब यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ तो कंडेंसर में आया, और जब ये कंडेंसर में आया तो कंडेंसर में क्या होगा कि इसका प्रेशर सेम रहेगा लेकिन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यानी कि प्रेशर सेम है, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे प्रेशर सेम था बट टेम्परेचर डाउन हो गया। प्रेशर हाई होने के प्रेशर हाई है और यहाँ पे जो लिक्विड है वहाँ पे जो जो भी कूलेंट आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। टेम्परेचर यहाँ पे क्या हुआ, डाउन हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ तो फिर आगे जाने के बाद यहाँ पे आता है एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर प्रेशर रिड्यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर लिक्विड और वेपर का, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा लिक्विड और वेपर का लो हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन वॉल्व खुलता। एक्सपेंशन का मतलब ये होगा, इसका मान लीजिए एरिया बड़ा है, जब एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर रिड्यूज हो जाएगा। तो एक्सपेंशन वॉल्व खुलेगा, तो एक्सपेंशन वॉल्व से पास करेगा तो इसका प्रेशर रिड्यूज हो जाएगा, उस यानी कि लो हो गया। जब लो प्रेशर हो गया तो फिर ये इवेपोरेटर में जाएगा। इवेपोरेटर में जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर तो लो रहेगा ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि ऐसे समझिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम रहा। यहाँ पे क्या रहा, तो टेम्परेचर भी बढ़ा, टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, प्रेशर भी बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या रहा, तो टेम्परेचर डाउन हो गया लेकिन प्रेशर बढ़ा रहा। और यहाँ पे क्या रहा, तो टेम्परेचर डाउन था ही, प्रेशर भी डाउन हो गया। ये सर्कुलेट होते रहता है। यहाँ पे सॉलिड था, मतलब यहाँ पे कंप्रेशर जो था वो जब यहाँ पे आया तो लिक्विड में चेंज हो गया ठीक है। लिक्विड से फिर एक्सपेंशन बॉल में गया तो प्रेशर चेंज हो गया। फिर ये इवेपोरेट हुआ, यहाँ पे हीट रिड्यूज हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि हीट जो रेफ्रिजरेंट है तो यहाँ पे फ्लूड आते रहता है ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेंट जो है R134 से बोल लीजिए या फिर जो भी यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट, वो ये जो फ्लूड इसमें आ रहा है जैसे वाटर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी क्यूसी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये उसका हीट इसमें ले लेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी सेम होता है, जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होता है चूँकि हाई होता है तो यहाँ पे जो कूलेंट होगा, यहाँ पे जो पानी वगैरह होगा जिसको हम यूज करें कंडेंसर में, वो पानी क्या करेगा, वो इससे के कंप्रेशन में ठंडा रहेगा। तो क्या करेगा कि इसका हीट पानी में चला जाएगा, हीट एक्सचेंज हुआ, और हीट एक्सचेंज होने के बाद वो पानी जो है वो जो कूलेंट है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे कूलेंट ठंडा होता है और यहाँ पे कूलेंट जो हम इसके अंदर जो यूज कर रहे हैं वो कूलेंट गर्म हो जाता है। और ये इस तरह से ये सर्कुलेशन चलते रहता है रेफ्रिजरेशन में। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम एक बनता है, ये डायग्राम है पीएच यानी कि प्रेशर और एंथैल्पी का डायग्राम है। ये है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और ये है सेचुरेटेड वेपर लाइन। ए सुपर हीटेड रीजन है, ए से बी में, ए से 1 से 2 में सुपर हीटेड रीजन है। फिर उसके बाद 2- यहाँ पे ये जो है क्रिटिकल पॉइंट है, और फिर 2-3 तक जाता है वेट रीजन में, और उसके बाद 4 और उसके बाद 3। ये इस तरह से ये चलते रहता है, यानी कि 1 से 2 जाएगा कंप्रेशर, 2 से 3 जाएगा कंडेंसेशन, फिर 3 से 4 जाएगा इवेपोरेशन, और 4 से 1 जाएगा एक्सपेंशन वॉल्व। ऐसा अगर हम टीएस डायग्राम देखें तो टीएस डायग्राम क्या बता रहा, तो ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया, ये जो है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन ये हो गया। सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन देखिए यहाँ भी लिखा हुआ, ये सब कूल्ड रीजन, क्रिटिकल पॉइंट और सुपर हीटेड रीजन हो गया। यानी कि यहाँ भी सेम चीज़ यही बता रहा है, कौन कौन सा, 1, 2, 3, 4 ठीक है। तो 1 से 2 कौन सा है, कंप्रेशन रीजन, 1 से 2 कंप्रेशन रीजन, 2 से 3 कंडेंसेशन रीजन, 3 से 4 इवेपोरेशन रीजन, और ये 4 से 1 वॉल्व एक्सपेंशन वॉल्व रीजन। ये था रेफ्रिजरेशन साइकिल का वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे बेसिकली अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पे यूज़ करती है चीलर को और कूलिंग टावर को यूज किया जाता है। कूलिंग टावर का जो पानी आता है वो कंडेंसर में आता है, कंडेंसर में चूंकि पानी ठंडा होने के कारण से यहाँ पे हीट को रिजेक्ट होता है और ये कूलेंट ठंडा हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जो पानी यूज होता है वो भी पानी
हमारे प्रोसेस से आता है, जिसमें थोड़ा बहुत हीट होता है प्रोसेस से आने के कारण। वहाँ पे यहाँ पे ये हीट को क्या करता है, एक्सचेंज किया और ये लिक्विड में चेंज, लिक्विड में जो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है वो उस हीट को एब्जॉर्ब किया, और ये फिर इसके बाद हीट पानी जो है वो ठंडा हो गया, और ये रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, गर्म हो गया, और रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये कंप्रेसर से पास करता है। सेम यही चीज़ चलता है हमारा रेफ्रिजरेशन जो घर पर है और कंपनी में भी। थैंक यू।